Hello everyone, so very good morning all of you and welcome to platform of an academy and welcome to the session of the Leukometer series of CAMCAD technology and we are going to discuss the lecture number 7 today और होपफुली सभी को प्रिपरेशन मस्त चल रहा होगा तो आज बेटा जो हम लोग बात करने वाले हैं दैट विल बी द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर गेट एग्जाम एज वेल एज फॉर द अदर एग्जाम्स आल्सो सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैसियस फ्यूल्स टुडे सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड मायसेल्फ सुमित प्रजापति फैकल्टी ऑफ कामकाज इंजीनियरिंग एकेडमी प्लेटफॉर्म एंड हैविंग मोर देन 5 प्लस ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ गेट एंड हैविंग 10 प्लस ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कामकाज इंजीनियरिंग कामकाज टेक्नोलॉजी मैकेनिकल ऑपरेशन फॉर मैकेनिक्स एंड आईपीसी सब्जेक्ट बेटा मैं आपके कवर करूंगा और अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आप बेटा प्लस की तरफ मूव करना चाहते हो डेफिनेटली आप मूव कर सकते हो मेरे कोड एसकेपी 100 के साथ एक बेहतरीन फीलिंग और बेहतरीन लेवल के गाइडेंस के साथ आप मूव कर सकते हो इस कोड के साथ में ठीक है और आज बेटा हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल योर एग्जाम्स मैं किसी भी एग्जाम की बात करता हूं चाहे वो गेट एग्जाम हो चाहे वो आपका अदर देन गेट एग्जाम हो क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपके फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं ठीक है तो गैसियस फ्यूल्स हम लोग बात करते हैं गैसियस फ्यूल्स के बारे में एक छोटा सा जो पार्ट अपना आता है दैट इज द कोल लिक्विफैक्शन एक ये भी पार्ट आपका आता है तो वहां से भी गैसियस फ्यूल्स का प्रोडक्शन किया जाता है तो वहां पर लोगों ने जो प्रोसेस पढ़ी हुई है आपका फिशर ट्रॉप प्रोसेस पढ़ा हुआ हम लोगों ने बर्जीस प्रोसेस पढ़ा हुआ है फिशर ट्रॉप और बर्जीस प्रोसेस इज द सिंपलेस्ट प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस द गैसोलीन फ्यूल विद द हेल्प ऑफ द कोल ठीक है ना तो कोल का लिक्विफिकेशन करके हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिक्विड फ्यूल गैसोलीन का प्रोडक्शन कर सकते हैं एंड दिस टेक्नोलॉजी इज यूज करंटली वेयर द क्रूड ऑयल स्टॉक्स आर लोअर ठीक है इसके बाद अगर गैसियस फ्यूल की बात करते हैं तो गैसियस फ्यूल कैटेगरी में सबसे पहला जो आपका गैसियस फ्यूल आता है दैट इज योर नेचुरल गैस हम सभी के सभी नाम जानते हैं नेचुरल गैस का ठीक है ना नेचुरल गैस इज जनरली द कंपाउंड विच इज ऑब्टेंड फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट ठीक है तो वो भी आपका एक्सप्लोरेशन के थ्रू आपका नेचुरल गैस जो है वो निकाला जाता है तो नेचुरल गैस का जो मेन फ्रैक्शन है दैट इज योर मीथेन ठीक है मीथेन इज द मेन फ्रैक्शन इसके अलावा आपके पास में एथेन प्रोपेन ब्यूटेन और पेंटेन ये आपके एल्केन्स भी अवेलेबल होते हैं लेकिन माइनर फ्रैक्शंस में ठीक है ना मेजर फ्रैक्शन आपका मीथेन होता है तो आपके नेचुरल गैस के जनरली आपके दो फॉर्म जो कि अवेलेबल होते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं दैट इज द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी और एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज एक्चुअली कंप्रेस्ड एट द हायर प्रेशर फॉर द स्टोरेज पर्पस और जो आपका एलएनजी है दैट इज जनरली कूल्ड एट द -160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द पर्पस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस ठीक है ना तो ये दो फॉर्म आपके नेचुरल गैस के यूज किए जाते हैं नेचुरल गैस का जनरली जो आपका कैलोरीफिक वैल्यू होता है दैट इज रेंज इन द फॉर्म ऑफ द T400 से 9100 ठीक है ना ये आपकी रेंज में आपका कैलोरीफिक वैल्यूज होती है वो आपकी वैरी करती है इसके अगर एलपीजी की बात करता हूँ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि आपकी हाउसवेयर गैसेस है तो वहां पर अगर बात करता हूँ तो प्रोपेन प्रोपाइलीन ब्यूटेन एंड ब्यूटाइलीन तो यहाँ पर मेजर फ्रैक्शंस आपके किसके हैं प्रोपेन और ब्यूटेन के हैं जिनको नॉर्मली वो नॉर्मल पेपेन और नॉर्मल ब्यूटेन ही बोलते हैं या फिर आइसोप्रोपेन आइसोब्यूटेन ही बोला जाता है तो आपका जनरली जो आपका फ्रैक्शन होता है ठीक है ना तो वो आपका C3 C4 का फ्रैक्शन आपका रखा जाता है इसके अंदर और नॉर्मली है क्या कि ये फ्रैक्शंस रखने का मेन पर्पस ये है कि नॉर्मली क्या इनको हम हाईली कंप्रेस कर सकते हैं और ये आपके क्या होते हैं इजी ट्रांसपोर्ट होते हैं तो ये पर्टिकुलरली जो आपकी गैस है एलपीजी जो गैस है इसका जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है बेटा दैट इज द 25,000 किलो कैलोरी पर न्यूटन मीटर क्यूब ये आपकी आप कैलोरीफिक वैल्यू होती फॉर द पर्पस ऑफ एलपीजी अगर मैं बात करता हूं अगर इसके बाद जो गैस आती है इसका नाम आपने सहायता से पहले ना सुना लेकिन काफी एग्जाम में पूछा गया है सो आई हैव रिटन हियर कोल गैस अगर बात करते हैं कोल गैस इज जनरली अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द कोक ओवन प्रोसेस फॉर मेकिंग द कोक फ्रॉम द कोल कोल से कोक बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें आपका कोक ओवन गैस एज ए बाय प्रोडक्ट निकलता है तो कोक ओवन गैस का जो मेजर फ्रैक्शन होता है दैट इज योर हाइड्रोजन और इसके अलावा वहां पर मेथेन नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी अवेलेबल होते हैं लेकिन जो मेजरली फ्रैक्शन आपका होता है वो आपका हाइड्रोजन का होता है एंड दिस हाइड्रोजन इज ऑल्सो यूटिलाइज फॉर द पर्पज ऑफ योर अमोनिया प्लांट जहां पर आप अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं तो ये कोल गैस है कोक ओवन ठीक है ना जो प्रोसेस है आपका कोक ओवन गैसिफिकेशन जो प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो द रूट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रोजन गैस ऑल्सो ठीक है ये आपकी कोल गैस होती है और कोल गैस पर अगर मैं बात करता हूँ प्रोड्यूसर गैस इज इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपको गेट 2019 के अंदर क्वेश्चन यहाँ से रिपीट हुआ था ध्यान सुनना बेटा प्रोड्यूसर गैस जनरली द कंपोजिशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन और यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ दिस हैव द रेशियो ऑफ 1:2 और यहाँ पर जो मेजर आपके और भी फ्रैक्शंस होते हैं तो मेजर फ्रैक्शंस में आपका ये दोनों होता है और माइनर फ्रैक्शंस में कार्बन डाइऑक्साइड इसके अलावा हाइड्रोजन और आपका मेथेन ये भी अवेलेबल होता है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज एक्चुअली प्रोड्यूस बाय द साइड रिएक्शन जहां पर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है ये आपका जो कोक होता है जो रेड हॉट कोक जहां पर हम क्या करते हैं स्टीम पास करते हैं या फिर एयर और स्टीम का मिक्सचर पास करते हैं दो आपके रूट होते हैं या तो हम क्या पास करते हैं या तो एयर को पास करते हैं या एयर और स्टीम को पास करते हैं तो वहां पर आपका क्या होता है CO2 का फ्रैक्शन बनता है दूसरा पहला रिएक्शन की जरा बात करते हैं पहले रिएक्शन के अंदर बेटा सिंपली हम एयर को पास करते हैं रेड हॉट कोक से तो वहां पर आपके पास सिंपली जो रिएक्शन होती है तो वहां से आपके पास में क्या है
जो आपका बनेगा प्रोड्यूसर गैस दैट विल हैव द लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, और दूसरा क्या होता है ये पर्टिकुलरली प्रोसेस जो आपकी होती है दैट प्रोसेस इज अबाउट द 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहां पर क्या होता है कि आपका तुरंत एज कंपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, एज बनना स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसी वजह से क्या होता है जो आपका कोल का बेड होता है वहां पर क्लिंकरिंग होने लगती है, मतलब कोल का आपका जो बेड होता है वो पूरा डैमेज होने लगता है, ब्लॉक होने लगता है, चोक होने लगता है, तो उसको बोलते हैं क्लिंकरिंग। तो ये प्रॉब्लम आती है आपकी इस पर्टिकुलरली प्रोसेस के अंदर। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या करते हैं, पासिंग एयर प्लस स्टीम, एयर और स्टीम के मिक्सचर को क्या करते हैं रेड हॉट कोक के ऊपर पास करते हैं। तो यहां पर नॉर्मली होता क्या है, यहां पर आपकी साइड रिएक्शंस के थ्रू हाइड्रोजन और दूसरा मेथेन का प्रोडक्शन भी होता है, और हाइड्रोजन और मेथेन की वजह से आपका इस पर्टिकुलरली रूट के थ्रू जो कैलोरीफिक वैल्यू मिलती है प्रोड्यूसर गैस की दैट इज हायर, और दूसरा यहां पर आपकी जो प्रोसेस है ये 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से लो होती है, तो यहां पर क्लिंकरिंग की प्रॉब्लम नहीं आती, क्लिंकरिंग का जो प्रॉब्लम है दैट इज लोअर, और इस पर्टिकुलरली गैस की जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो 1100 से 1200 के आसपास होती है। ठीक है, अब बात करते हैं वाटर गैस के बारे में। तो वाटर गैस इज जनरली द ब्लू वाटर गैस बोलते हैं, ब्लू गैस ही बोलते हैं इसको, और ये आपका कंपोजिशन होता है जिसका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का 1:1 कंपोजिशन होता है। इसके अलावा आपके बाकी फ्रैक्शन से बनता कैसे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो फ्रैक्शन बनता कैसे, रेड हॉट कोक के ऊपर स्टीम पास की जाती है, तो वहां से आपके पास बनता क्या है वाटर गैस। तो यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड मेजर फ्रैक्शन में होता है, इसके अलावा मीथेन, CO2 और नाइट्रोजन ये माइनर फ्रैक्शन में आपका अवेलेबल होता है। तो सिंपली क्या है, यहाँ पर आपको जो स्टेप होता है दो टाइप में, दो पीरियड में आपका कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में क्या करते हैं, सिंपली पहले कोक को रेड हॉट करना होता है, सिंपली पहले एयर पास करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्टिंग पीरियड, और सेकंडली क्या करते हैं एयर पासिंग बंद करके फिर स्टीम पास की जाती है, तो उसको बोलते हैं गैस मेकिंग पीरियड। स्टीम पास करने में क्या होता है, बेड का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो फिर से क्या करते हैं एयर पास करते हैं, उसको फिर से ब्लास्टिंग पीरियड, गैस मेकिंग पीरियड, ब्लास्टिंग पीरियड, गैस मेकिंग पीरियड, इस तरह से आपका साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू आपका प्रोड्यूसर वाटर गैस का प्रोडक्शन होता रहता है, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है 28 के आसपास होती है। यहां से इन सभी गैसेस से आपका कैलोरीफिक वैल्यू के ऑर्डर में अरेंज करने का क्वेश्चन आ चुका है, होपफुली आपने किया होगा। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट गैस आती है बेटा उसके बारे में देखते हैं, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट गैस आती है दैट इज द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन प्रोडक्शन के मल्टीपल मेथड्स आपको पता है, अभी आपने एक पीछे पड़ा कोक ओवन गैस के थ्रू बनता है, दूसरा आपका बनता है स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था के थ्रू, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस के थ्रू, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर के थ्रू भी हम बना सकते हैं, पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ आपका जो सिंथेसिस गैस होता है वहां से ही बना सकते हैं, कई सारे रूट के थ्रू आपका हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, लेकिन जो मेजर रूट आपके पास में है दैट इज द प्रोडक्शन फ्रॉम द स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मेथेन और नेचुरल गैस। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट का रूट है, और जहां पर आपका 99.9% प्योरिटी का आपका जो हाइड्रोजन गैस होता है वो आपको मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली ये हाइड्रोजन का प्रोडक्शन दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में आपका क्या होता है, जहां पर रिफॉर्मिंग रिएक्शन होती है तो वहां पर आपका सिंपली स्टीम को हम लोग क्या करते हैं पास करते हैं नेचुरल गैस के साथ मिक्स करके, तो वहां पर आपका क्या होता है सिंपली आपका सिंथेसिस गैस का प्रोडक्शन होता है फर्स्ट वाले रूट के अंदर, और सेकंड जो रूट होता है उसके अंदर क्या होता है जो आपके पास में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और दूसरा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर जो आपका है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका स्टीम का मिक्सचर जो है ना वो आपका यूटिलाइज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द CO2 एंड अगेन हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वाटर गैस रिएक्शन। ये पर्टिकुलरली आपकी जो प्रोसेस है ये आपके फॉलोइंग स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप आपका होता है सल्फर रिमूव करने का, जिसमें हम लोग जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट का यूज करते हैं। सेकंड स्टेप के अंदर रिफॉर्मिंग रिएक्शन होती है, पैक आपका ट्यूबुलर रिएक्टर होता है, इसके अंदर आपका फर्नेसेस के थ्रू हम लोग बर्निंग करते हैं, तो वहां पर निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या होता है आपकी रिएक्शन होती है, और वहां पर आपको सिंथेसिस गैस का प्रोडक्शन होता है। सिंथेसिस गैस से क्या होता है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड दूसरा स्टीम आपका मिक्स करके क्या होता है आपका, ठीक है ना, उसको पास करते हैं हाइड्रोजन आपका वाटर गैस शिफ्ट रिएक्टर के लिए। तो आपका जो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्टर है नॉर्मली आपके एक्सथर्मिक रिएक्शन है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं दो स्टेप में कंप्लीट करते हैं, हाई टेंपरेचर शिफ्ट रिएक्टर और लो टेंपरेचर शिफ्ट रिएक्टर। हाई टेंपरेचर के लोग यूज करते हैं फेरस ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट, और मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोमोशन हम लोग प्रोमोटर का यूज करते हैं। लो टेंपरेचर शिफ्ट रिएक्टर जो आपकी होती है वहां पर कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट का यूज करते हैं, और आपका एल्युमिना, ठीक है ना, वो आपका एज अ प्रोमोटर यूज किया जाता है। इसके बाद आपका प्रेशर सिग्नल एडजॉर्प्शन के थ्रू CO और CO2 जो गैसेस होती है उनको रिमूव करके प्योर हाइड्रोजन आपको मिल जाती है एट द लास्ट स्टेप। अब इसके बाद एक न्यू गैस आपको आज और देखने को मिल रही है सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस इज जनरली द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, बट हियर द रेशियो इज द 1:2। और यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंथेसिस गैस को बनाने के कई सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। यहां पर मेथेन, LPG और नेफ्था के थ्रू हम क्या कर सकते हैं सिंथेसिस गैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा था नेफ्था आपका मेथेन के थ्रू, ये देख रहा हूं ना, ये मेथेन के थ्रू सिंथेसिस गैस आपका बनता है, सबसे पॉपुलर रूट आपका यही आता है। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं एल्युमिनियम कोबाल्ट मॉलिब्डेनम बेस्ड कैटलिस्ट के थ्रू हम लोग पहले क्या करते हैं, सबसे पहले 2-स्टेट डीसल्फराइजेशन। सल्फर जो आपका होता है, ठीक है ना, मेथेन के अंदर, एलपीजी के अंदर या नेफ्था के अंदर, वो सल्फर को रिमूव करते हैं, तो वो पहले आपका 2-स्टेट डीसल्फराइजेशन प्रोसेस होता है। सेकंडली क्या करते हैं, यहां से निकलने वाला आपका जो फ्रैक्शन है उसको पास करते हैं स्टीम रिफॉर्मर के अंदर, तो वहां पर विद द हेल्प ऑफ स्टीम हम लोग क्या करते हैं निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में आपका क्या होता है हाइड्रोजन, दूसरा हमारे पास क्या है
नाइट्रोजन का मिक्सचर हाइड्रोजन नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 का मिक्सचर आपको मिलेगा, उसको फर्दर जब शिफ्ट कन्वर्जन प्रोसेस में पास करते हैं तो यहां से आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन और सिंथेसिस गैस ये मिक्सचर आपको मिलता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं सिंथेसिस गैस को प्यूरीफाई कर लेते हैं। बाकी जो आपका नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग मेम्ब्रेन सेपरेशन के थ्रू क्या करते हैं, जो अमोनिया जनरेशन प्लांट होता है वहां पर हम लोग पास कर लेते हैं। सिंथेसिस गैस रिएक्शन के थ्रू आपका मेथनॉल का प्रोडक्शन भी होता है और सिंथेसिस गैस आपका पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का एक सबसे प्राइमरी क्या है, एक आपका रॉ मटेरियल है। ठीक है, तो ये बेटा कंप्लीट आपका आज का जो प्रोसेस था, दैट वाज फॉर द गैसियस फ्यूल। होपफुली आपको मजा आया होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट जरूर टाइप करना, सेशन को मैक्सिमम लाइक और शेयर करना और अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, चल तो अगर मैं नेक्स्ट आपसे बेटा बात करता हूँ कि अभी जो सेशन आप एंजॉय कर रहे हो ना, तो दूसरा आपके लिए मैंने वेडनेसडे को ठीक है मैंने पूरा का पूरा आपका रखा हुआ है। हम लोग मुलाकात करेंगे कल सुबह, ठीक है, और वहां पर हम लोग 8 बजे जो मुलाकात करने वाले हैं वहां पर मॉक टेस्ट की मुलाकात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग मॉक टेस्ट को डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना, पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर कर चुके हो, पूरा फुल लेंथ सिलेबस जब आपका कवर हो चुका है वहां पर मैं मॉक टेस्ट लेने वाला हूं। ठीक है ना, 4 अगस्त आज मतलब की सुबह के 8 बजे हम लोग को तुरंत से ज्वाइन करना रहेगा, ध्यान रखना। और दूसरा ये है बेटा कि आपके अगर कंटेंट में कुछ भी आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है तो आप डेफिनेटली आप रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, और वहां से आपको प्राइसेस भी मिलेंगे। और नेक्स्ट ये है कि आपको जो भी प्लस बैच स्टार्ट हुआ था तो वहां पर अभी सैलन सर और मनीष सर का आपका सब्जेक्ट चल रहा है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो अगर प्लस की तरफ, तो एसकेपी 100 कोड के थ्रू आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हो बेटा, बेहतरीन फीलिंग और बेहतरीन गाइडेंस के लिए। और दूसरा ये है कि अगर आप बेटा प्लस को ज्वाइन करते हो तो आपको एक अलग लेवल का गाइडेंस तो मिलता ही मिलता है, प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलती है मैनेज फॉर्म है। और दूसरा अगर आपने लाइव क्लासेस मिस कर दी है तो आपको क्रैश कोर्स एंजॉय करने का मौका मिलता है, वीकली आपको क्विज मिलते हैं, यहाँ से आप खुद को एनालाइज कर सकते हो, खुद को चेक कर सकते हो किस लेवल पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। डाउट सॉल्विंग सेशन आपका हर 4th लेक्चर डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, जो भी असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किया जाते हैं उसका आपको डाउट सॉल्व करने का मौका मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज में भी प्लस का कोर्स अवेलेबल है केमिकल का। ये सारे फीचर्स के साथ में आप आइकॉनिक की तरफ मूव करते हो, आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा फीचर मिल जाता है, दैट इज अ पर्सनल कोच और मेंटर, वो बंदा आपकी लगातार हेल्प करेगा कि आपको अपनी रैंक को अपने आपको खुद इंप्रूव कैसे करना है। तो उसके लिए जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उसके लिए आपके स्पेशल सेशंस का अरेंजमेंट। दूसरा, जो भी आप टेस्ट सीरीज अटेंड करते हो तो टेस्ट सीरीज के लिए आपका पूरा का पूरा एनालिसिस, आप क्या गलतियां करते हो, पीडीएफ फॉर्म में पूरा मटेरियल, ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं आइकॉनिक के अंदर। और अगर बेटा आप प्लस और आइकॉनिक को ज्वाइन करने जाते हो तो डेफिनेटली आपके पास में 5 प्लान्स अवेलेबल हैं प्लस के लिए, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। मेरे कोड के थ्रू अगर आप जाते हो तो सिंपली आपको 10% ऑफ तो मिलेगा, लेकिन एक बेहतरीन लेवल का गाइडेंस भी आपको डेफिनेटली मिलेगा। और दूसरा, अगर आप आइकॉनिक को चूज करते हो तो यहाँ पर आपके पास में 3 प्लान्स आते हैं, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हो। अगर मेरे कोड के थ्रू जाते हो तो आपको अगेन 10% ऑफ मिल जाएगा और मेरे आप गाइडेंस में मूव कर सकते हो। पेमेंट के मल्टीपल ऑप्शन है, कैश कार्ड या EMI कैसे भी आप पे कर सकते हो। ठीक है, और आपके लिए बेटा जो हम लोग प्लान लेकर के चले थे मॉक, आपका कॉम्बो ऑफर जो आया था वहां पर जो आपका प्लेसमेंट से रिलेटेड जो बैचेज स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना, तो अभी आपके पास में ये ऑफर अवेलेबल है प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ साथ। ठीक है ना, 4 अगस्त तक आप ज्वाइन कर सकते हो, तो वहां पर आपके पास कैंपस प्लेसमेंट से रिलेटेड जो आपका है ना पर्सनल मॉक इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन का प्रिपरेशन भी आपको कराया जा रहा है, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर कई सारे फीचर्स बेटा आपको मिलने वाले हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप मेरे को अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो डेफिनेटली मेरे को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। कहाँ पर? अनअकैडमी के लर्नर जो आपका ऐप है वहाँ पर जाकर के मेरे को सिंपली आपको सर्च करना है, वहाँ पर फॉलो बटन में क्लिक करना है, वहाँ से आप मेरे सारे लेक्चर्स को एंजॉय कर सकते हो। अनअकैडमी जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं सारे के सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हो, वो लोग भी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सो आज बेटा इतना ही रखेंगे और एंजॉय करते रहो और नोट्स अपने बनाते रहो और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।